तो कहीं आप भी तो सारा दिन फोन में ऐसे ही घुसे नहीं रहते? अपने दिमाग को कभी कभी हमें खाली भी छोड़ना चाहिए। हमें लगता है कि ऐसा एक पुराना कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो सब लोग यही सोचते हैं कि किसी तरह से अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड रखें, और जिससे कि कुछ खराब फीलिंग्स या कुछ भी नेगेटिव हमारे दिमाग में ना आए, और ऐसा हम डर की वजह से करते रहते हैं। तो जितना भी हम दुनिया में दौड़ भाग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी चल रहा है, वो सब अपने आप से दूर जाने की, अपने आप को भूलने की कोशिश ही तो है। और फिर यही कोशिश बहुत सारे लोग ड्रिंक करके करते हैं या तरह तरह के एडिक्शंस के ज़रिए करते हैं कि वो उस समय अपने आप को भूल जाएं। पर सी, अपने आप को भूलना इसका समाधान नहीं है। और अपने आप को हर वक्त भरे रखना चीज़ों से, दिमाग में थॉट्स तो अपने आप को भरे रखना, चाहे हम अपने पेट की बात करें जिसमें कि हम अपने को खाने से भरते रहते हैं थोड़े थोड़े समय पर, या हम अपने दिमाग की बात करें जिसमें कि हम तरह तरह के थॉट्स से अपने आप को भरते रहते हैं। तो यदि हम ऐसा ना करके इनको खाली रखें और थोड़ा आराम दें, थोड़ा शांति दें, तो काफ़ी चीज़ें आपके लाइफ में बदलेंगी। आप देखेंगे कि आप अपने आप से कुछ और पहचान कर पाएंगे, अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, मकसद उसको थोड़ा और क्लियरली समझ पाएंगे। तो आज से ही कोशिश करें कि कुछ समय ज़रूर खाली बैठे, और खाली बैठे मतलब पूरी तरह से खाली बैठे, और उस समय कुछ ना करें, कुछ ना सुने, कुछ ना देखें, कुछ ना पढ़ें, बिल्कुल खाली बैठे। हम आपको कोई मेडिटेट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस सिर्फ खाली बैठने के लिए कह रहे हैं। 5 मिनट खाली बैठ के देखें और फिर देखते हैं कैसा क्या होता है। थैंक यू, लव योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।